रेवाड़ी में झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था अलर्ट। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद अनाज मंडी में की गई व्यवस्था। कल और आज मंडी रही छुट्टी ताकि किसानों को नुकसान ना हो। रेवाड़ी में आज सुबह से ही रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। मौसम के बदले मिजाज से तापमान में भी भारी गिरावट आई है। एक तरह से सर्दी की शुरुआत हो गई है, क्योंकि बारिश के बाद काफी ठंडक महसूस हो रही है। आपको बता दें कि बीते दिन भी दिनभर बादल छाए रहे थे, आज सुबह से तो बारिश की झड़ लगी हुई है। मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया हुआ था। उम्मीद है कि आने वाले दो दिनों तक इसी तरह से मौसम बना रहे है। बारिश के कारण किसानों की आवक को नुकसान न हो, इसके लिए अनाज मंडी को दो दिन की छुट्टियां पहले से ही घोषित कर दी गई थी। मार्केटिंग कमेटी के सचिव नरेंद्र यादव ने बताया कि मौसम विभाग के अलर्ट के चलते उन्होंने किसानों को पहले ही सूचित कर दिया था कि मौसम खराब होने के कारण मंडी में बाजार लेकर न आए। उन्होंने कहा कि जो बाजार 6 अक्टूबर तक मंडी में आ चुका, उसका या तो उठान कर दिया गया या फिर वो टीन शेड के नीचे सुरक्षित है, जबकि जो बाजरे की बोरी खुले में रखी हुई है उसे तिरपाल से ढक दिया गया है। उसकी मौसम विभाग ने घोषणा की है कि 3 दिन मौसम खराब रहेगा, उसके मद्देनज़र रखते हुए मैंने पहले ही अखबार के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से किसानों को ये सूचना करा दी कि वो मौसम को देखते हुए अपनी कृषि उपज मंडी में लेके न आए। तो कल भी मंडी की छुट्टी रही थी और आज भी मंडी की छुट्टी है, कोई किसान कृषि आवाक लेके नहीं आया। और अगर कोई फार्मर आ भी जाता है तो उसके हमारे टीन शेड के अंदर डेयरी करवा रहे हैं। और जो भी खरीद हुई है सरकारी, 6 तारीख को जो खरीद हुई है उसकी हमने ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्टिंग करा दी है, और जो बच गया वो शेड के अंदर स्टैगिंग वगैरह करा दी है। उस तिरपाल वगैरह से पूरा माल ढका हुआ है।